दोस्तों, एप्पल का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, पर आपको आइडिया नहीं होगा कि एप्पल कितनी बड़ी कंपनी है। एप्पल के पास 285 बिलियन डॉलर्स यानी 18.5 लाख करोड़ रुपए कैश में है, जिससे वो इंडिया की सबसे बड़ी तीन कंपनियां रिलायंस, TCS और HDFC बैंक को एक साथ खरीद सकते हैं, और तब भी उनके पास 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए बच जाएंगे। उनके पास इतने पैसे हैं कि वो दुनिया के हर एक इंसान को 2,400 रुपए दे सकते हैं या हर एक भारतीय को 13,500 रुपए दे सकते हैं। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एप्पल कितनी बड़ी कंपनी है, वो अपने पैसों से क्या क्या कर सकती है, दूसरी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, फेसबुक के पास कितना पैसा है और एप्पल इतने पैसे कैसे कमाता है। तो आखिरी तक वीडियो देखना। एप्पल रेवेन्यू के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है और दुनिया के टॉप 5 फोन मैन्युफैक्चरर्स में से भी एक है। एप्पल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है और उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 910 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, यानी करीब 60 लाख करोड़ रुपए है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का मार्केट कैपिटलाइजेशन 790 बिलियन डॉलर है, अमेज़न का 760 बिलियन डॉलर है, माइक्रोसॉफ्ट का 728 बिलियन डॉलर है और फेसबुक का 537 बिलियन डॉलर है। इंडिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस का मार्केट कैप 88 बिलियन डॉलर यानी करीब 5.7 लाख करोड़ रुपए है। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एप्पल के पास 285 बिलियन डॉलर कैश में है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट के पास 134 बिलियन डॉलर, गूगल के पास 100 बिलियन डॉलर, फेसबुक के पास 38 बिलियन डॉलर और अमेज़न के पास सिर्फ 25 बिलियन डॉलर कैश में है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक और अमेज़न को मिलाकर जितना टोटल कैश है, करीब उतना ही कैश एप्पल के पास है। एप्पल अपने कैश से नेटफ्लिक्स, उबर, टेस्ला, ट्विटर और स्नैपचैट को एक साथ खरीद सकता है। अगर एप्पल एक देश होता तो कैश रिजर्व्स की लिस्ट में 11वें नंबर पे होता। एप्पल के पास USA, जिसके पास 123 बिलियन डॉलर है कैश रिजर्व्स में, उससे भी ज्यादा है, पर इंडिया से कम है। इंडिया के पास 420 बिलियन डॉलर कैश रिजर्व्स में है। तो एप्पल थियोरेटिकली 10 देश को छोड़कर किसी को भी खरीद सकता है। एक और अमेजिंग फैक्ट ये है कि एप्पल इंडिया के सारे पब्लिक और प्राइवेट बैंक्स, 2-व्हीलर, 3-व्हीलर ट्रक कंपनियां जैसे SBI, मारुति, ICICI बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज, महिंद्रा, पंजाब नेशनल बैंक, अशोक लीलैंड इत्यादि सबको एक साथ खरीद सकता है, अगर हम HDFC बैंक को हटा दे तो। जरा सोचो कि एक कंपनी के पास कितना पैसा है। चाइनीज कंपनी पेट्रो चाइना थोड़े टाइम के लिए ट्रिलियन डॉलर कंपनी बनी थी 2007 में। एप्पल भी 2018 में ट्रिलियन डॉलर कंपनी बन सकती है। दोस्तों, जरा सोच कर देखो, एप्पल की वैल्यू 65 लाख करोड़ रुपए होने वाली है। 2003 में एप्पल का स्टॉक प्राइस $1 से भी कम था और आज एप्पल का शेयर प्राइस $180 है। अगर 2003 में आपने 60,000 रुपए इन्वेस्ट किया होता तो 15 साल में उसकी वैल्यू 1 करोड़ से भी ज्यादा हो जाती। रोनाल्ड वेन, जो कि कोफाउंडर थे एप्पल के, उन्होंने अपना 10% स्टेक एप्पल का $800 में बेच दिया था। आज उनकी नेटवर्थ 80 बिलियन डॉलर यानी 5.2 लाख करोड़ से भी ज्यादा होती अगर उन्होंने नहीं बेचा होता तो। ऊपर जितनी भी पॉसिबिलिटीज मैंने बताई वो एप्पल मोस्ट प्रोबेबली नहीं करेगा। इसके कई कारण हैं। एप्पल के 250 बिलियन डॉलर यानी 16 लाख करोड़ से भी ज्यादा कैश USA के बाहर है, जिससे उन्हें कम टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने टैक्स 35% से 15.5% कर दिया है, तो कुछ पैसे एप्पल वापस ला सकती है। बट फिर भी चांसेस कम है कि एप्पल कोई बड़ी कंपनी खरीदे। आज तक सबसे बड़ी कंपनी उन्होंने बीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा है 2014 में 3 बिलियन डॉलर में। नॉर्मली वो छोटे कंपनीज खरीदते हैं और अपने प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेट करते हैं, जैसे उन्होंने सिरी को खरीदा था 2010 में और अब कई प्रोडक्ट्स में सिरी वॉइस असिस्टेंट है। एप्पल उन्हीं कंपनीज को खरीदता है जिससे उनके प्रोडक्ट्स और अच्छे बने, ना कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए। तो आप सोच रहे होंगे कि एप्पल फिर इतने पैसों का क्या करेगा। एप्पल मोस्टली पैसे खर्च करेगा अपने शेयर्स वापस खरीदने में और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देने में। पिछले 4 साल में एप्पल ने 234 बिलियन डॉलर खर्च किया है अपने स्टॉक्स वापस खरीदने में और डिविडेंड्स देने में, तो आगे भी मोस्टली उनका यही प्लान होगा। आप सोच रहे होंगे कि एप्पल इतने पैसे कैसे कमाता है। सैमसंग तो दुनिया में सबसे ज्यादा फोन्स बनाता है, पर फिर भी सबसे ज्यादा पैसे एप्पल कैसे कमाता है। एप्पल पर डिवाइस काफी ज्यादा कमाता है अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में।
एप्पल को एक आईफोन बनाने में $200 से $300 यानी $12,000 से $18,000 लगता है, जबकि वो आईफोन $600 से $700 यानी $36,000 से $42,000 में बेचता है। एप्पल अपने हर फोन से $150 यानी करीब $10,000 कमाता है। आपको पता है दूसरी कंपनी कितना कमाते हैं हर फोन पे? दूसरे नंबर पे है सैमसंग जो करीब $31 यानी $1,900 कमाता है। ओप्पो $14 यानी करीब $900, वीवो $13 यानी $833 कमाता है, जबकि शाओमी सिर्फ $2 यानी $128 कमाता है हर फोन पे। पूरे मोबाइल फोन इंडस्ट्री में एप्पल 60% प्रॉफिट कमाता है, जबकि दूसरे नंबर पे सैमसंग है जो सिर्फ 26% कमाता है। 2005 में एप्पल का प्रॉफिट सिर्फ $1.3 बिलियन यानी करीब ₹8,400 करोड़ था, जबकि 2017 में उनका प्रॉफिट $48 बिलियन यानी 3.1 लाख करोड़ था। तो आप देख सकते हैं कि एप्पल इतने पैसे इसीलिए कमाता है क्योंकि वो नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाता है जो सबको पसंद आते हैं। उनका फोकस बेस्ट प्रोडक्ट विद बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस लाना है। एप्पल का ब्रांड लॉयल्टी भी बहुत ज्यादा है और काफी लोग इमोशनली जुड़े हैं ब्रांड से। तभी आप भी जब कोई एप्पल का प्रोडक्ट देखते हैं आपको लगता है ये थोड़ा डिफरेंट है, वो चीजें ऐसे बनाते हैं कि लोगों को प्यार हो जाता है प्रोडक्ट से। अभी एप्पल का लगभग 70% रेवेन्यू सिर्फ आईफोन से आता है। पिछले कुछ सालों में एप्पल ने नए प्रोडक्ट्स नहीं निकाले हैं। देखते हैं एप्पल आगे और कितना सक्सेसफुल होगा और कब $1 ट्रिलियन कंपनी बनेगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट्स में लिखना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में ये भी लिखो कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, घंटे को भी दबा देना ताकि आप हमारी कोई वीडियो मिस ना करें। आगे हम ऐसे ही बिजनेस मोटिवेशन एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप जगत की बातें करेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।